एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मुझे अपनी बुक्स में से मुझे एक अपनी डायरी मिली है जो आई थिंक मैंने 9th या 8th स्टैंडर्ड में लिखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी कुछ शेयर करूं, जैसे कि मैंने पता नहीं क्या क्या लिखा है, मुझे खुद नहीं पता। तो लेकिन जो भी है बहुत मोटिवेशनल है, और मुझे ये देख के हैरानी हुई कि एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा भी उस टाइम पर मैंने ये सब लिखा है। सो इट्स वेरी वेरी मोटिवेटिंग टू गो थ्रू दिस डायरी। जैसे आप देख सकते हो बड़े अजीब अजीब थॉट्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं, और कुछ पोइम्स भी मैंने इसमें लिखी हैं, जैसे कि ये लाइफ लिटल टिडबिट्स जो है, इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट थॉट्स जो शायद मैं उस वक्त सोचती थी, तो वैसा कंपाइल करके मैंने लिखा। एक ये पोइम भी है, गॉड इज़ द चीफ एग्जामिनर। तो लेट मी शो यू समथिंग। कुछ और भी थॉट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, सक्सेस बिलोंग टू दोज हू डेयर टू टेक इट, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हू सी द पॉसिबिलिटी बिफोर इट बिकम ऑब्वियस, एंड सो मैनी मोटिवेशनल थॉट्स। आई थिंक ये हैबिट मुझे स्कूल टाइम से ही थी, और अभी भी मैं डायरी लिखती हूँ। सो इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक टू गो थ्रू दिस डायरी अगेन, और इतना मोटिवेशनल मैंने लिखा है। और एक पोएम है, ये एक पोएम भी नहीं है, एक कंपाइलेशन ऑफ थॉट्स है, तो लाइफ लिटिल टिडबिट्स करके मैंने इसको नाम दिया है। और पता नहीं मैंने इसमें क्या क्या लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। आई थिंक 20 to 25 कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो कंपाइल किए हैं मैंने। इनको अच्छे से रीड किया दोबारा, और आई वेंट डाउन थ्रू द मेमोरी लेन, और मुझे बड़ी सारी चीज़ें याद भी आई हैं उस टाइम की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी ये चीज़ें शेयर करूं। तो मैंने कुछ थॉट्स जो हैं वो कंपाइल करके इसमें शेयर किए हैं, जैसे ट्रीट एवरीवन लाइक द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करते हैं हमें वैसा ही रिटर्न मिलता है। तो अगर हम अपने लिए रिस्पेक्ट सोचते हैं कि हमें सब रिस्पेक्ट करने चाहिए या हमें प्यार से सब बात करनी चाहिए, तो हमें वैसा ही ट्रीटमेंट सेकंड वाले को भी देना चाहिए। देन रिटर्न फॉर बोरोड व्हीकल विथ टैंक फुल। आजकल तो कोई किसी से कुछ मांगता नहीं है, बट फिर भी अगर आप किसी से कोई गाड़ी बोरो करते हैं तो उसका टैंक जो है वो फुल करके भेजिए। ये मेरा 8th-9th स्टैंडर्ड का माइंड सेट बोलता है। थर्ड वन इज़ लीव एवरीथिंग अ लिटल बेटर दैन यू फाउंड। येस, आई ट्रूली बिलीव इन दैट, कि आपको किसी भी कंडीशन में अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसको थोड़ी बढ़िया करके ही वापस किया जाए, थोड़ा बढ़िया करके उसको रिटर्न किया जाए। एंड नंबर 4 इज़ फॉरगिव अदर्स एंड योरसेल्फ्स टू। येस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों को तो हम माफ़ कर देते हैं बट खुद को भूल जाते हैं, तो खुद को भी माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, कमिट योरसेल्फ टू कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट। येस, हमें दूसरों से नहीं अपने आप से कॉम्पिटिशन करना चाहिए, सो वी शुड कमिट अवर सेल्फ फॉर कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट इज़ बी द फर्स्ट टू से हेलो। येस, इसमें कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं हो जाता है। अगर आप आगे से किसी को ग्रीट करते हो तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, और आपको भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कभी करके देखिएगा। नेक्स्ट इज़ कीप सीक्रेट्स। येस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कोई आपका फ्रेंड है, चाहे आपका पहले कोई फ्रेंड था, अब नहीं है, सीक्रेट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन अ क्लोज बुक। कभी भी सीक्रेट्स रिलीव नहीं करने चाहिए। देन बी देयर व्हेन समवन्स नीड यू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप चाहे किसी के खुशी में शामिल ना हो पाए तो चलेगा, लेकिन जब किसी को आपकी ज़रूरत है तो आपको वहाँ पे होना चाहिए। मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, तो वी शुड बी देयर फॉर द पीपल। नेक्स्ट इज़ एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अपनी गलतियाँ बहुत कम लोग मानते हैं, मान लेनी चाहिए और मूव ऑन भी कर लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, मुझे तो पढ़ के बड़ा मज़ा आया। और बड़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी फिर भी और भी पढ़ूंगी। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।